तो ये जो वार्तिक है ना, इस वार्तिक से आप क्या समझेंगे, जितने शब्द मैंने यहाँ लिखा है उन सभी शब्दों को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रात यानी प्र उपसर्ग होना चाहिए, प्र का सप्तमी एक वचन प्रात बनेगा ना, प्र पंचमी एक वचन सॉरी प्र के बाद, प्रात का मतलब प्र के बाद क्या होना चाहिए, इतने शब्द लिस्ट दे दिया, ऊह हो, ऊढ़ हो, ऊढ़ी हो, ऐश हो और ऐश हो, ठीक यही है, यही है। आप अपने किताब में कंफर्म कर लें, यदि यही है तो ठीक है, यही है सर। ऐसा है तो प्र के बाद क्या होना चाहिए, यही पांच जो लिस्ट दे दिया यही पांच होगा, तो पूर्व पर दोनों के स्थान पे क्या होगा, वृद्धि होगी, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है, प्र है और यहाँ क्या है, ऊ है, यहाँ क्या हो रहा था, गुण हो रहा था ना आद गुणा से, किसी को एंगी पर रूपम नहीं दिखना चाहिए क्योंकि यहाँ एंग नहीं है, नहीं है ना, अवर्णांत उपसर्ग है लेकिन एंग नहीं, एंगी पर रूपम से पर रूप नहीं हो रहा था, पर यहाँ आदगुणा से गुण हो रहा था, उसको रोकने के लिए प्रादु हो ढे ढे शे शे शु से प्रात के बाद अगर ऊह ऊढ़ ऊढ़ी ऐश ऐश ये सब आते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्व पर दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। प्र का जो अ है यहाँ प्र समझ लीजिए आधा है, ऐसा है प्र को थोड़ा दूसरी तरह से हम लिख देते हैं, दूसरे लिपि में ऐसे लिख देते हैं, प आधा र आधा और आ, ऐसे ही है ना, तीन वर्ण है प्र में और फिर उसके बाद ऊ है, ऊ अलग हा अलग, यहाँ पूर्व वर्ण है अ उत्तर वर्ण है ऊ, आ ऊ दोनों के स्थान पे क्या कर देंगे आप, वृद्धि, वृद्धि यानी क्या होता है, इतना वृद्धि कर देंगे ना, आई औ क्या आएगा, यहाँ वृद्धि होगा तो महात्मा जी क्या आना चाहिए, औ आना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि ओष्ठ वाला है, यहाँ ओष्ठ वाला, ये कंठोष्ठ वाला, ये कंठ, ये ओष्ठ, ये कंठोष्ठ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, प आधा, एक मिनट, ये रहेगा प आधा और उसके साथ साथ प आधा है, र भी आधा है, औ है और ह है, बनेगा क्या, प्रभु, प्रभु विसर्ग लगा दीजिए तो प्रभु हा बन जाएगा, ठीक है। ये विसर्ग में एक स्टार दिख रहा है आपको, सर कहाँ इंड हुआ वो बताता है, हाँ तो प्रभु हा दिख रहा है। अब यही मान लीजिए प्रा के बाद ऊह नहीं होता, क्या दूसरा वाला क्या है, ऊढ़, ठीक है, ये ऊह नहीं होता क्या होता, प्रा के बाद क्या होता, ऊढ़ होता, ठीक है। तो प्रादु हो ढोड़ है शेष शेष लगता ना, आद गुणा के गुण को रोक देता ना, तो अ और उ के जगह पे क्या होता, वृद्धि होकर औ हो जाता, तो प्र ऐसा रह जाता, औ आ जाता और ढा प्रौढ़ बन जाता ना जी। ये प्रौढ़ लोग होते हैं जो थोड़े हाई लेवल के होते हैं, ठीक है, प्रौढ़ भी बन जाएगा इसी से। ये सब जो उदाहरण बन रहे, पांच उदाहरण जो बनेंगे, ये पांचों उदाहरण किसके होंगे, इसी सूत्र के और वृद्धि संधि के, ठीक है। अब इसके बाद नहीं, अभी ये और भी तीन उदाहरण है, इसमें तीन उदाहरण है, ये देख लीजिए, प्रा है उसके बाद ऊढ़ी है, यहाँ भी आद गुणा से गुण प्राप्त था ना जी, जी। पर प्रादु ढो ढे शे शे शु से क्या हो जाएगा, आ और ऊ के दोनों की जगह पे वृद्धि हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्रउ और ढी। किसी को समझने में दिक्कत हो रही हो तो बताएं, यहाँ विसर्ग सब जगह रखना है आपको अंत में, ठीक है, दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक पहुंच जाएंगे जी। अब मान लीजिए एश है, ऊढ़ी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पर तो आदगुणा नहीं था ना, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ वृद्धि हो रही थी, यहाँ तो वृद्धि आदेश लग रहा था ना,
वृद्धिराधे लग रहा, वृद्धिरेचि लग रहा था ना, पर उसको रोक के क्या आया, एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम आया ना, एंगी पर रूपम को भी रोक के ये वार्तिक काम कर जाएगा और एक स्थान पे वृद्धि कर देगा, क्या हो जाएगा, पराई, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए एश नहीं होता या ऐसा होता तो यहां भी ऐसे ही बदल जाता, ऐसे ही होता एश होता, ठीक, तो प्रैश्य हो जाता, बस इतने ही उदाहरण है इसके। कोई दिक्कत इस वार्तिक में किसी को नहीं। अब एक उदाहरण के लिए एक और वार्तिक आ रहा है, केवल एक ही उदाहरण बताएगा वो,